हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बातचीत करेंगे कमोडिटी मार्केट की आज की मॉर्निंग अपडेट्स। आज से मॉर्निंग और इवनिंग दोनों अपडेट्स चालू हो जाएंगी, तो अपने नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो ऊपर आई बटन में जो लिंक्स दिए रहते हैं उन वीडियोज़ को देखें, ताकि आप लोगों को हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो भी बताया जा रहा है उसमें किस तरह से एग्जीक्यूशन किया जाता है, किस तरह से अपडेट्स दी जाती हैं, ली जाती हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। पैसे लगाने के पहले एक घंटा दो घंटा का समय डालिए और सारे वीडियोस देखिए। आई बटन में सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक दिए जाते हैं। बात को आगे बढ़ाने से पहले कल हमने क्या रणनीति बनाई थी उसका एक ओवरव्यू कर लें, फिर आगे की बात करते हैं। कल आप लोगों को क्रूड ऑयल का सपोर्ट लेवल मैंने बताया था, कल की वीडियो देखिएगा जो मैंने अपलोड की थी, उसमें 850 का सपोर्ट बताया था, 850 का, और कल का लो था 848 का, और अभी चल रहा है वो 1189 रुपये, 1189, ऑलमोस्ट 350 रुपये सिर्फ एक ही दिन में ऊपर आ चुका है। लेकिन बाय करने में हालांकि डर लग रहा था, -2800 अगर जा सकता है क्रूड ऑयल तो डर तो किसी को भी लगेगा ही। इसीलिए मैंने कॉल जनरेट नहीं की थी, मैंने कहा एक दिन आराम दो दिन आराम कर लेते हैं, लेकिन करेंगे काम तो अच्छे से करेंगे, ज़बरदस्ती पिट के फ़ायदा नहीं है। खुद खुद के बाय सेल नहीं करेंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, लीवरेज इस्तेमाल नहीं करेंगे और रहेंगे कायदे में। तो कायदे में रहना था इसलिए 850 में बाय कॉल जनरेट नहीं किया, वरना कर देता था। और मैं देख रहा हूँ कि क्रूड जितने भी लोग बाय सेल कर रहे हैं उतने लोग पिट ही रहे हैं, भयंकर बुरी तरह से पिट रहे हैं। कल 850 का आप लोगों को क्रूड में सपोर्ट बताया था, वहाँ से लौट गया। कल एनजी का सपोर्ट बताया था 138.50 का, 136.70 का, 137.30 का लो पोस्ट करके 148 चल रही है अभी। हालांकि मैंने जो बाइंग रेंज दी थी 136.60 के आसपास की दी थी, तो 70 पैसे से हमारा बाइंग रेंज छूट गया, वरना आज होता जोरदार मुनाफा। खैर, मेरी परफॉर्मेंस शीट में ना मैंने कोई क्रूड की एंट्री ली है, ना मैंने कोई एनजी की एंट्री ली है। गोल्ड में हमारा ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन था, सिल्वर में हमारा पोजीशन बिल्टअप नहीं हो पाया, वहाँ पर भी 200-250 रुपये से आई गेस बाज़ार छूट गया हमारे बाइंग रेट से, और वहाँ से बाज़ार अभी 1500 पॉइंट ऊपर है। कॉपर में भी बाइंग रेंज एक्टिवेट नहीं हो पाई थी, और हाँ USD INR में हम लोग को पिटाई पड़ी थी, तो गोल्ड में एक अच्छा खासा मुनाफा हुआ था। चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। यूजुअली मैं किसी के फ़ोन उठाता नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए भी एक वीडियो बनाई हुई, क्यों फ़ोन नहीं उठाता हूँ मैं किसी के, और अब तो और इम्पॉसिबल हो जाएगा। आज मार्केट सुबह से लेकर रात तक चलेगा, 11:30 बजे तक, यानी जो पुरानी रूटीन थी उसी रूटीन में आज से हम लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा। कल मुझे एक फ़ोन आया कमल जी का। कमल जी मेरे वीडियोज़ को रोज़ देखते हैं, मेरे साथ व्हाट्सएप में भी जुड़े हुए हैं, और इसी महीना जुड़े हैं, यानी कुछ 17 अप्रैल से जुड़े हुए हैं, आज है 23 अप्रैल। एक फ़नी बात है इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, उनसे कुछ बातचीत स्टार्ट हुई, मुझे लगा ऐसे कोई होंगे फ़ोन करने वाले। एक तो उनकी आवाज़ एकदम यानी यंग बंदे की टाइप थी, तो पहले मुझे लगा ठीक है किसी लड़के ने किसी बालक ने फ़ोन किया है, बालक नहीं कहना चाहिए मुझे, किसी ने फ़ोन किया है मुझे जो नॉर्मल मार्केट की बातचीत करना चाहता है। बातचीत स्टार्ट हुई, फिर दो चार मिनट बाद आगे गई, फिर मैंने उनकी प्रोफाइलिंग के बारे में पूछा, तो मुझे तब मालूम चला कि वो रिटायर्ड हैं। माय गॉड सर, आपको सत नमन, यानी इतने सॉफ्ट स्पोकन और इतनी बढ़िया आवाज़ है सर की कि ऐसे समझ में नहीं आता कि वो 65 ईयर्स के होंगे। फिर बातचीत थोड़ी और आगे बढ़ी, मालूम चला कि वो लंदन में रहते हैं, और फिर बातचीत थोड़ी आगे बढ़ी तो पता चला कि उनका खुद का बेटा एक बहुत बड़ा फंड मैनेजर है। तब मैंने उनसे पूछा कि सर अगर आपका बेटा खुद फंड मैनेजर है तो फिर आप मुझसे क्यों सर्विसेज ले रहे हैं, आप मुझसे क्यों कनेक्टेड हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी वीडियो अपने बेटे को दिखाई, और उसने एक वीडियो डली हुई है मेरी जिसमें मैंने मेंशन किया अपनी एलोकेशन मेथड को, और उसकी हेडिंग है 1.5 लाख रुपए से 24 लाख रुपए कैसे बनाए जा सकते हैं। उस वीडियो को उन्होंने अपने बेटे को दिखाया, और उनके बेटे ने उनको इमीडिएटली पूछा कि आप अगर इस चैनल को 2 महीना 1 महीना से देख रहे हो तो अभी तक उनके साथ जुड़े क्यों नहीं हो। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। बस मुझे आप लोगों की दुआएँ, आप लोगों का प्यार और आप लोगों के मोटिवेशन की ज़रूरत है, बाकी आप और मैं अपने आप ही आगे बढ़ जाएंगे, पैसा आएगा, पैसा कमाएंगे और सेलिब्रेट भी करेंगे। कमल जी थैंक यू सो मच। अगर मेरे से कुछ फ्लो में अगर कुछ शब्द ऊँच शब्दों में हेर फेर हो गया, या फिर अगर ऊँच नीच हो गई होगी तो मुझे माफ़ करिएगा। तो कमल जी थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड विद अस।
चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ, बात करता हूँ कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और यूएसडी आईएनआर में क्या रणनीति निकल के आ रही है। तो ओपन पोजिशन जीरो है, कुछ भी नहीं है। क्रूड के सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, 890 के रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, 1170 का एक रेजिस्टेंस था, अब उसने काट दिया है, 1190 का हो गया है, 1189 का रेट चल रहा है। ऊपर के बाजू में अब इसको 1425 के आसपास, यानी 1425 1450 के आसपास का रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। मेरी तरफ से कोई भी रणनीति नहीं है, वेट करिए इवनिंग की वीडियो में, आप लोगों को हो सकता है कोई कॉल अपडेट हो जाए। दूसरा नेचुरल गैस, नेचुरल गैस अभी चल रही है 147.80, इसका लो पोस्ट हुआ है 144.10 का, हाई पोस्ट हुआ है 148.30 का। इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 142 के, और दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है 138.50 का। रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 153 का, और दूसरा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 159 का। नेचुरल गैस में सेल करके काम नहीं करना, आज इन्वेंट्री डेटा है, कोशिश करेंगे अपन लोअर लेवल में बाय करने की, और इवनिंग में डेटा आने के पहले मेरी वीडियो अपलोड हो ही जाएगी। बात करते हैं गोल्ड की, गोल्ड अभी चल रहा है 46355, इसका लो पोस्ट हुआ है 46252 का, हाई पोस्ट हुआ है 46499 का। इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 46325, 45950, 45150। रजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 46900, 47375, 48150। गोल्ड अगर आप लोगों को 46,000 रुपये के आसपास मिले, 46,000 के आसपास मिले, तो बाय करिए, स्टॉप लॉस लगाइए 45,800 का, और होल्ड करिए इसको 46,900 तक के लिए। रणनीति एकदम क्लियर है, 46,000 रुपये के आसपास बाय करना है, 45,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और टारगेट 46,900 के। एक लॉट गोल्ड मिनी की एंट्री ले रहा हूँ क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा है। इवन दो हम लोगों ने जब से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है तब 1.5 लाख रुपये की कैपिटल एज्यूम की थी कि 1.5 लाख रुपये से आप लोगों का ये पोर्टफोलियो स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं, और आज हम लोग उसमें 3.5 लाख रुपये के आसपास कैपिटल बना चुके हैं। हालांकि तो मुझे आइडियली डबल लॉट की एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन मैं ले रहा हूँ एक लॉट की एंट्री, ताकि हम लोग लीवरेज और स्पेकुलेशन की कैटेगरी में नहीं आए। जैसे जैसे मार्जिन कम ज़्यादा होते हैं, वैसे अपनी लॉट साइज बढ़ाते जाएँ। अगर अपना मार्जिन नॉर्मल हो जाता है आने वाले दिनों में, तो वापस से इसकी 2 लॉट की एंट्री पोस्ट करना चालू कर देंगे। गोल्ड की रणनीति एकदम क्लियर है। गोल्ड बात करता हूँ सिल्वर की, सिल्वर अभी चल रही है 42,280, इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 41,950, 41,700। रजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 42,650, 43,300 और 43,600। सिल्वर अगर आप लोगों को 41,800, 42,000 के आसपास मिले, तो बाय करिए 41,699, छोटा सा स्टॉप लॉस है, 100 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस है लोअर लेवल से, वहाँ पर बाय कर सकते हैं, और टारगेट 1,000 रुपये ऊपर तक की एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 800-900 रुपये तक की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, पोजिशन लेनी चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस हो जाए तो रिग्रेट नहीं करना चाहिए। बात करता हूँ कॉपर की, कॉपर अभी चल रही है 399.20, लो पोस्ट की 395.10 का, हाई पोस्ट की 401.50 का। इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है 396 का, दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है 389.50 का, तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है 388 का। रजिस्ट्रेशन निकल के आ रहे हैं 402.50 के, 406 और 410 के। अगर आप लोगों को 388, 390 के आसपास मिले, तो बाय करिए, 387 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, टारगेट जो मैंने आप लोगों को रजिस्ट्रेंस लेवल बताए हैं। USD INR अभी चल रहा है 76.10, इसका देखिए USD INR का कल का हमारा स्टॉप लॉस था 76.55 का, वो स्टॉप लॉस होने के बाद आज इसका हाई है 76.49 का। तो ये होते हैं लेवल्स के कमाल, लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए, एक बार एग्जिट कर जाइए, होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से अपॉर्चुनिटी मिलती है। बाजार बुढ़ा नहीं होता, हम बुढ़े होते हैं। आज देखिए वहाँ से 40-45 पैसे के आसपास नीचे है, 76.08 चल रहा है, 76.07 का लो लगाया है, 76.49 का हाई है। इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 76 और 75.90 के। रजिस्ट्रेंस निकल के आ रहे हैं 76.35, 76.50, 76.60। अगर आप लोगों को हायर लेवल में मिले, सपोर्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कूद कूद के बाय कर लें, काम करना चाहिए ट्रेंड के अनुसार। जो है ट्रेंड है इसका, अभी आज इसका हो गया, कल इवनिंग से ही हो गया था इनफैक्ट डाउन का ट्रेंड। 76.35-40 के आसपास मिले तो सेल इनिशिएट करना चाहिए, 76.71 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, टारगेट 75.90 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये तो कैरी ओवर पोजीशन होती है, क्योंकि मैं आप लोगों को सबको इंसिस्ट करता हूँ लीवरेज इस्तेमाल नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, स्पेकुलेशन नहीं करना, और फुल मार्जिन देके काम करना है। फुल मार्जिन देके काम करना है, इसका मतलब जब तक टारगेट नहीं होता, जब तक स्टॉप लॉस नहीं होता, तब तक हम अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। अब ओवरऑल मैं एंट्री किस किस चीज़ की लूँगा, क्रूड की एंट्री ले नहीं सकते, एनजी अगर नीचे मिल जाता है लोअर लेवल में तो बाय करेंगे, उसकी एंट्री लूँगा, गोल्ड की एंट्री लूँगा, सिल्वर की एंट्री लूँगा, कॉपर की एंट्री लूँगा, और USD INR की एंट्री लूँगा अगर एग्जीक्यूट होते हैं तो।
तो ये थी हमारी कमोडिटीज़ की मॉर्निंग अपडेट। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो धपाक से एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल मीडिया की बहुत सारी लिंक्स होती है, आप चाहें तो उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और सॉरी, अकाउंट ओपनिंग की लिंक होती है जिसको क्लिक करके आप, मेरा दिमाग वो कमल जी के ऊपर चला गया, वो मैंने बालक कह दिया तो मुझे थोड़ा सा अनइजी फील होने लगा है। शूट हो चुकी है, उसको वापस से एडिट करना, ये करना वो पॉसिबल नहीं है, तो कमल जी उसके लिए वापस एक बार माफ़ी चाहता हूँ, वो पता नहीं थोड़ा सा अनइजी फील होने लगा है। खैर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल मीडिया की सारी लिंक्स होती हैं, उन पर क्लिक करके आप सब जगह जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में एक फीडबैक का फॉर्म होता है, उसको क्लिक करके आप फीडबैक दे सकते हैं, ताकि हम अपनी सर्विसेज में और सुधार कर सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही एक अकाउंट ओपनिंग का लिंक होता है, जिसको क्लिक करके आप चाहें तो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं मेरी बताई हुई रणनीतियों को, और जुड़ सकते हैं डायरेक्ट हमारे साथ टेलीग्राम, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।